हाय गाइस, वेलकम बैक। भाई कल की क्या है ये कौन से नंबर्स चल रहे हैं भाई? आज क्या हम हिंदी से 40 करोड़ का नंबर देख रहे हैं? क्या आज ऐसा हो रहा है? मुझे यहाँ पे 110% हिंदी का बहुत बड़ा नंबर आता हुआ लग रहा है भाई साहब। दिस इज अनबिलीवेबल। अभी देखो शाम के 5 बजे हैं और अभी की रिपोर्ट में आपको बताऊंगी ना, फॉर एन इंस्टेंस यू विल फील कि मैं आपको शायद ऐसे ही नंबर बोल रही हूँ। ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। ये तो पता था सबको कि आज एक मॉन्स्टर्स डे होने वाला है ऑन द बॉक्स ऑफिस, लेकिन हमको ये ऐसा लगता था कि यार तेलुगु लैंग्वेज में ज्यादा होगा, हिंदी में होगा, लेकिन क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कहीं से भी कि 40 करोड़ इन हिंदी आज आ रहा है? दिस इज कॉल्ड कल की मैडनेस एंड दिस इज कॉल्ड प्रभास, बाहुबली ऑफ बॉक्स ऑफिस इज बैक। लिटरली भाई साहब, नंबर सुनोगे हिल जाओगे। अभी आपको बता देती हूँ, रिपोर्ट तो बताऊंगी, साथ साथ में ऑक्यूपेंसीज को लेकर बात करेंगे। टाइट स्लैप ऑन द हेटर्स फेस, टाइट स्लैप, दिस इज कॉल्ड मैडनेस। इसको कहते हैं जब फिल्म ऑर्गेनिकली कमाती है, ऑर्गेनिकली नंबर्स लेकर आती है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ऑक्यूपेंसी से, देखो यार कल की का मैंने आपको बताया था मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी कितनी थी। कल की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी ही आज की कमाल की थी। मॉर्निंग शोज 44.3% हिंदी 2D की बात कर रही हूँ, और आफ्टरनून शोज हिंदी 2D में आफ्टरनून शोज भाई 70.8% की ऑक्यूपेंसी पहुंच गई। कितनी? 70.8%। अब ये तो रही एक चीज, इसके अलावा अगर हम देखते हैं शहरों में, ये तो मैंने आपको एक ओवरऑल बताया, शहरों में बात करती हूँ। मुंबई जैसा शहर जहाँ पर बॉलीवुड का बोलबाला रहता है, दिल्ली NCR जैसा शहर जहाँ पर बॉलीवुड का बोलबाला रहता है, वहां पे एक तेलुगु फिल्म आती है और तेलुगु फिल्म स्वीप करके लेकर के जाती है बॉक्स ऑफिस को पूरी तरीके से। यहाँ पर बुक माई शो को अगर मैंने आपको बताया था कि क्रैश हुआ है, तो भाई क्रैश तो वो होगा ही, क्रैश तो होगा ही जब ये नंबर आएंगे। दिल्ली NCR 64% की ऑक्यूपेंसी है, 64% की ऑक्यूपेंसी केवल मॉर्निंग आफ्टरनून की मिला के। ये तो थी सिर्फ 2D की बात, 3D है असली कहानी। 3D में मॉर्निंग शोज 54%, आफ्टरनून इज अ फ्रीकिंग 88% की ऑक्यूपेंसी इन द आफ्टरनून। आर यू किडिंग मी? आर यू सीरियस? अब कहाँ है वो रिव्यूअर्स? वो रिव्यूअर्स कहाँ है? वो जो हेटर्स बात कर रहे थे, वो जो रिव्यूअर्स बात कर रहे थे हिंदी में कमाल नहीं करेगी, आपको बोर करने वाली है फिल्म, हमको तो मजा ही नहीं आया, हमको तो स्वाद ही नहीं आया, कहाँ है वो लोग? ऑडियंस से बड़ा जज कोई नहीं होता, बॉक्स ऑफिस से बड़ा वर्डिक्ट कोई नहीं होता। ये मैं आपको अपने लगभग हर वीडियो में बोलती हूँ, बिकॉज दैट इज द रियलिटी, दैट इज द ग्राउंड रियलिटी, उससे बड़ा वर्डिक्ट नहीं होता है। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मुंबई के नंबर्स की, 65% ऑक्यूपेंसी, दिल्ली NCR 73.5% ऑक्यूपेंसी, भाई 73.5%, और आफ्टरनून में दिल्ली NCR में 91% की ऑक्यूपेंसी है यार, 91% की ऑक्यूपेंसी। पुणे में 92% की ऑक्यूपेंसी, हैदराबाद 98%, कोलकाता 90% अहमदाबाद 88% की ऑक्यूपेंसी इन द आफ्टरनून, चेन्नई 99%, सूरत 76%, जयपुर 95% की ऑक्यूपेंसी, भाई साहब चंडीगढ़ 98% की ऑक्यूपेंसी। ऐसा लग रहा है किसी ना टॉपर के, मैं मार्क्स बता रही हूँ आपको, किसी मतलब कोई कोई रैंक आई है किसी की, ऐसा लग रहा है 98%, 99%, भाई साहब दिस इज मैडनेस। एंड आई एम सो हैप्पी कि ऑडियंस ने उन क्रिटिक्स, उन रिव्यूअर्स को पानी पिला करके रख दिया जो लोग फालतू का उल्टा सीधा बोल रहे थे इस फिल्म के अगेंस्ट। आई एम सो हैप्पी। और अगर मैं भी आपको नंबर बताऊंगी ना, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 5 बजे का जो नंबर है ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑन डे नंबर 4 कल की इज ऑलरेडी 58.6 करोड़ का नंबर। ओके, 58.6 करोड़ अभी आ चुका है, टोटल इंडियन कलेक्शन 276.05 करोड़ ही हो चुकी है। आज हम 100% हिंदी में 40 करोड़ देखेंगे। हिंदी मतलब इसलिए देखेंगे, पंजाब में 98% बताया मैंने आपको, सूरत में 99% बताया मैंने आपको, जयपुर में 95% बताया आपको। ये कोई मजाक बात नहीं है, लिटरली ये कोई मजाक बात नहीं है। और ये तब ही होता है जब फिल्म जो है मैड लेवल की क्रेजी होती है यार, क्रेजी। अभी मैं यहाँ पर ना एक पोस्टर भी जो आया है जो मेकर्स की तरफ से आया है, 415 करोड़ गबॉक, 415 करोड़ इन 3 डेज, 500 करोड़ की तो बात ही क्या हो रही है, 4 दिनों में 500 करोड़ तो इज पीनट्स, लिटरली पीनट्स। अभी यही फिल्म होती ना बॉलीवुड की, यही फिल्म होती ना बॉलीवुड की, तो यहाँ पर तो मतलब बौछार लग जाती है, इंटरव्यूज इंटरव्यूज इंटरव्यूज, लोग पीछे पड़ गए होते कि आप मतलब स्टार्स का इंटरव्यू हो रहा है और बाकी बॉलीवुड जो है सपोर्ट में आ गया है, सबने ट्वीट करके बोल दिया सबने ऐसा। मुझे ब्रह्मास्त्र का टाइम याद आ रहा है, यहाँ पे ब्रह्मास्त्र को बोलूंगी यहाँ पे, क्योंकि वो एक ऐसी फिल्म थी जो जिसने सारी टाइड बदल के रख दी थी, जिसके आने के बाद सब कुछ बदल गया। वो एक ऐसी फिल्म थी और उस फिल्म ने साउथ से इतने प्रेजेस पाए, साउथ के लोगों ने उसको कितना प्रेज किया, साउथ की ऑडियंस ने, साउथ के एक्टर्स ने, डायरेक्टर्स ने उस फिल्म को कितना प्रेज किया था।
लेकिन यहां पर जब साउथ की फिल्म आई है ऐसी, जब तेलुगु फिल्म आई है ऐसी, तो बॉलीवुड के मुंह से चार शब्द भी नहीं निकल रहे हैं। मैं मेरे सामने जब ये जो पोस्टर है, इसमें जब मैं VFX देख रही हूँ, इसलिए मुझे याद आ रहा है वो समय, क्योंकि उस टाइम पे बड़ा VFX VFX की बात हो रही थी। देखो आयान मुखर्जी ने ऐसा VFX तैयार करवाया है इस लड़के ने, ये छोटी सी उम्र का लड़का है और देखो कितना बड़ा नाम कमाया है बॉलीवुड में। वहीं एक्टर्स को देखो जरा, क्या एक्टिंग करी है भाई, क्या असली लग रहे हैं वो सब, उनको बहुत असली लगता था। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ना अपने हिस्ट्री का, हमारी संस्कृति का, हमारे कल्चर का, वो मायने नहीं रखता है उसमें। वो ये लोग बिलीव ही नहीं करते हैं, मैं आपको सच बताऊं तो ये लोग उसमें बिलीव ही नहीं करते हैं। ये लोग बिलीव किसमें करते हैं, ये लोग बिलीव करते हैं वेस्टर्नाइज कोई फिल्म होती। अभी आर्चीज का रिव्यू देख लेना, अगर आपको अभी भी मेरे बातों पर यकीन नहीं है ना, जाके आर्चीज का रिव्यू देख लेना कुछ लोगों का, जिनका कल मैंने एक्सपोज किया था। बट वो सब बातें तो हम करेंगे करेंगे, लेकिन यार ये मैड लेवल है, दिस इज मैड लेवल। और यहाँ पर मैं दाद दूंगी फिर से एक बार नाग अश्विन की, जो ऐसा काम उन्होंने करके दिखाया है, दिस इज अनबिलीवेबल, दिस इज अनबिलीवेबल। सो भाई आज के समय में कल की इज द बिगेस्ट स्टॉर्म, प्रभास इज बैक विद हिज नंबर्स। अब देखो कुछ लोग बोल सकते हैं ये तो मैम होना ही था, ये तो ओपनिंग वीकेंड है, कल देखते हैं क्या होगा, कल आएगा मंडे, मंडे को देखेंगे क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, जिस फिल्म ने ऑक्यूपेंसी दिल्ली NCR में या हिंदी बेल्ट में 88% की दिखाई है ना आफ्टरनून में, वो इवनिंग और नाइट में भी अच्छी दिखाएगी और वो कल भी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के चलेगी। आई कैन राइट टू यू ऑन पेपर। इसका रीजन होता है, एक लॉजिकल रीजन होता है, जो फिल्में इतने अच्छे मोमेंटम पे आ जाती हैं बॉक्स ऑफिस में, वो एकदम से ब्रेक नहीं मारती हैं मंडे को, उनको रुकने में भी, उनको स्लो डाउन होने में भी टाइम लगता है। कभी कभी वो स्लो डाउन होती भी नहीं है, आने वाले 10-15 दिनों तक उसी मोमेंटम में वो चलती रहती है और कल की उसी कैटेगरी में आती है। इनफैक्ट साउथ की फिल्मों ने ही ये ट्रेंड शुरू किया था, साउथ की ही फिल्मों ने, पैन इंडिया सबसे बड़ी फिल्म बाहुबली 2 कहेंगे अगर, उस फिल्म ने ही ये ट्रेंड शुरू किया था कि वो एक बार जो आई भाई वो रुकी ही नहीं, रुकी ही नहीं। वो भी प्रभास थे और ये भी प्रभास है, वहां भी प्रभास थे, यहाँ पे भी प्रभास है, और राजमौली वहां पे भी थे यहाँ पे भी है, एक स्पॉइलर छोटा सा तो बनता है। लेकिन हाँ, ऑल इन ऑल आई एम जेन्युइनली सो हैप्पी फॉर दिस इंडस्ट्री, जेन्युइनली हमारे कल्चर को एक बार फिर से रेसरेक्ट करने के लिए, हमारे फेथ को एक बार फिर से रेसरेक्ट करने के लिए इन द बॉक्स ऑफिस एंड इन गुड कंटेंट। एंड हमारे पास भी अपना एक अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स है, एक डिस्टोपियन फ्यूचर वाली फिल्म हॉलीवुड लेवल की हमारे पास भी है, हम अपने आप को भी कह सकते हैं, जो कि हमको क्रेडिट लेना नहीं चाहिए, ये उन्हीं का क्रेडिट है, ये उन्हीं को जाना चाहिए। लेकिन फिर भी चलो, इंडिया अगर है, हम इंडियन है, तो मैं थोड़ा सा इतना 1% थोड़ा सा ये कह सकूंगी कि हाँ, हम लोगों के पास भी एक ऐसी फिल्म है कल की जैसी, जिसने हमारे इंडिया को एक ग्लोबल लेवल पर लाकर खड़ा किया इन टर्म्स ऑफ VFX एंड विजुअल्स ऑफ कोर्स एंड स्टोरी टेलिंग। सो आई एम जेन्युइनली हैप्पी फॉर दिस मूवी। अब देखते हैं अब क्या होता है, अब देखो शाम को और रात को क्या होगा वो तो मैं आपको अपडेटेड रखूंगी तब तक। लेकिन आपको क्या कुछ लगता है अबाउट दिस मूवी, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।